अजिंक्य रहाणे की ये पारी एक स्टेटमेंट थी कि उन्हें ड्रॉप करना गलत था? नहीं, ड्रॉप करना सही था, लेकिन ड्रॉप करने के बाद वापस लेना और जिस तरह से वो खेले हैं, ये जाहिर है कि ये ड्रॉप जो हुए वो भले के लिए हुआ। ओवल की धीमी होती जा रही पिच पर भारतीय बल्लेबाज मैच ड्रॉ करा लेंगे, थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि लग रहा है कि जान कम हो रही, लेकिन जब वो बड़े कद के तंदुरुस्त फास्ट बॉलर्स गेंदबाजी करेंगे तब पिच के बारे में पता चलेगा, लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ी सी धीमी हो रही है पिच। शार्दुल ठाकुर टेस्ट में हार्दिक पांड्या की कमी पूरी करने के काबिल है। जी हाँ, और खास तौर से फॉरेन टेस्ट मैचेस में। टेस्ट में भी धीमे ओवर रेट के लिए गेंदबाजी टीम पर कड़े कानून बनाने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने सही लंबाई और दिशा के साथ गेंदबाजी की। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हुई, सुधार लाया अपने लाइन और लेंथ पर। ऑस्ट्रेलिया का दूसरी पारी में आक्रामक इंटेंट के साथ ना खेलना डिफेंसिव अप्रोच था। देखिए, समय काफी है और कई बल्लेबाज डिफेंसिव खेल रहे थे, कभी कई बल्लेबाज थोड़ा सा आक्रामक, तो मैं नहीं समझता इतना कोई गलती ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने की।